गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ डावर आमला हेयर ऑयल का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी वैसे तो इस ऑयल को हर कोई जानता है बट मैं आप अपने वे से इसे बताऊंगी कि ये सच में स्ट्रॉगर लॉन्गर थिकर हेयर प्रोवाइड करता है आपको या नहीं मेरा अपना ऑनेस्ट रिव्यू होगा जो मैंने खुद में ऑब्जर्व किया है तो इस ऑयल को ना मैंने नायका से बाय करा था तो इसकी जो प्राइस है गाइज वो है टू आपको तीन साल की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी और फाइव हंड्रेड इस ऑयल की क्वांटिटी है तो इसे मैंने नायका से बाई की एंड मुझे काफ़ी अच्छे रेट में वहाँ पर मिल गया था तो मुझे ना हंड्रेड में मिल गया था ये ऑयल तो ये ऑयल क्लेम करता है कि आपको स्ट्रॉगर लॉन्गर थिकर हेयर प्रोवाइड करता है वर्ल्ड का नंबर वन हेयर ऑयल है तो जो मैंने खुद में ऑब्जर्व किया है इस ऑयल को लगाने के बाद आप देख सकते हो इतना सा बच्चा है मैंने काफ़ी सारा ऑयल यूज़ कर लिया है तो इन्होंने और क्या क्लेम किया है बस इतना ही बोला है कि स्ट्रॉगर लॉन्गर हेयर थिक हेयर देता है आपको इन्ग्रीडियंट वगैरह देख सकते हो आप इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स इन्होंने दिए हुए हैं तो गाइस इसमें मिनरल ऑयल है 49.8 परसेंट यानी कि 50 परसेंट इसमें मिनरल ऑयल है वेजिटेबल ऑयल इंक्लूड किया है आंवला एक्सट्रैक्ट ओनली फोर्टी सेवन परसेंट है तो कुछ इस तरह के इन्होंने बता रखा है तो इसे ना यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया एंड काफ़ी मतलब सालों से मैं इस ऑयल को यूज़ कर रही हूँ बट मुझे नहीं लगा कि ये स्ट्रॉन्गर लॉन्गर थिक कर हेयर देता है यानी इसकी जो फ्रेग्रेंस है का काफ़ी ज़्यादा स्मेल इसकी स्ट्रॉन्ग है एंड जिस टाइम हम इस ऑयल को यूज़ करते हैं अगर आपने ज़्यादा ऑयल यूज़ कर लिया रात को से पहले तो आपका हेयरफॉल उतना इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जो कि मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है हो सकता है कि आपके हेयर पर ये अच्छा रहता हो बट मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रॉगर आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है एंड लॉन्ग करता है और थीक करता है, है। क्योंकि जो इन्होंने तीनों के तीनों, तीनों क्लेम करे मुझे ये बिल्कुल ही फॉल्स लगते हैं बिल्कुल ही गलत लगते हैं क्योंकि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इसे यूज़ करने के बाद मेरा तो हेयरफॉल जो है वो इंक्रीज हो गया एंड ये इसमें स्ट्रॉगर लॉन्गर कुछ अगर हमारे हेयर्स को यह स्ट्रोंगर करता तो हमारे हेयरफॉल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों होता तो मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसकी फ्रैग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इतनी स्ट्रोंग होने नहीं चाहिए और इसमें इंग्रेडिएंट तो आपने देखा कि मिनरल ऑयल हमारे हेयर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है मिनरल ऑयल का ये हमारे हेयर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बेस्ट ऑयल है वर्ल्ड का नंबर वन बेस्ट ऑयल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है बस हाँ आपके हेयर्स को काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट कर देता है स्मूथ कर देता है बट ये स्ट्रॉगर लॉन्गर थिकर हेयर तो बिल्कुल भी दे ही देता है मतलब तो प्राइस के हिसाब से तो सही है ये पंप वगैरह भी काफ़ी अच्छा चलता है इसका एंड ऑयल भी ठीक है ये तो इसके अल्टरनेट ना मुझे कोकोनट ऑयल अच्छा लगता है आमला ऑयल की जगह अगर आमला ऑयल मतलब मिनरल ऑयल वगैरह इसकी इंग्रेडिएंट्स सही होते तो काफ़ी अच्छा होता तो अगर आप लोग मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ऑयल सही लगता है या नहीं सो so गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर sure मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई